पढ़ाई ना। बुक्स आ गई सबकी, किसी की नहीं आई? अच्छा, इंस्टीट्यूट को चिट्ठी भेजो, है ना, कि एग्जाम डिले कर दे। चलिए, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? राइट टू इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट कौन सा था? पूरा नाम ओके। उसका कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? 14। ये भी देख के बोला आपने अभी अभी, है ना। तो आप इसी पे वो लगा दो, यूट्यूब लाइव मत लगाइए, इस ऐप पे लाइव लगा दीजिए। होमवर्क दिया था हमने आपको। क्या होमवर्क था? नोट्स नहीं, एक और होमवर्क था, एक केस पढ़ना था। कौन सा केस था? पढ़ा था, क्या समझ आया? वो जीत गया, ये समझ में आया। आपकी भलाई के लिए देखिए उसने कितनी लड़ाई लड़ी, कितने साल लड़ाई लड़ी? 7 साल पक्का? आप होते तो सोचते छोड़ो हटाओ क्या करना है ना। नोट्स बन गए अच्छा सबके? रजिस्टर बना? किसने किसने रजिस्टर खरीदा नया? तो घर वालों को डाउट हुआ होगा कि अरे रजिस्टर पढ़ाई के लिए खरीद रहे हो, है ना। बाकी बच्चों का क्या हुआ? अच्छा रखा हुआ था, हाँ ठीक है, एक ही बात है। कवर चढ़ाया उस पे? कवर चढ़ा के नेम स्लिप लगाना। लड़कियां बारबी वाली और लड़के कार वाली। हो गया, हम शुरू हो जाए? आरती मैम शुरू हो गया? अच्छा चलिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू नो, यानी हमें जानने का अधिकार है। और इसी को ही लॉ के फॉर्म में बना के कौन सा लॉ यानी कौन सा एक्ट बनाया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हम लोग ने इसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था आई गेस। हाँ, हम लोग ने इसका सबसे पहला पैराग्राफ जो देखा था उसमें ये देखा था कि इंफॉर्मेशन किससे मांगी जा सकती है, किसी से भी मांगी जा सकती है कि सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज से। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटीज या वो अथॉरिटीज जिनको गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, उनको क्या कहा जाता है? पब्लिक अथॉरिटी। क्या पब्लिक अथॉरिटीज से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? नो, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं जो पब्लिक में अवेलेबल होनी चाहिए। पर्सनल नेचर की इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन इनको नहीं मांगा जा सकता। फिर हम लोग ने देखा था राइट टू नो, आई थिंक यही पैराग्राफ पढ़ रहे थे, और इसका फर्स्ट केस ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स। यस, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। चलिए, बिफोर ड्वेलिंग ऑन द आरटीआई एक्ट, mention should be made that the case Reliance Petrochemical Limited, in which the Supreme Court read into Article 21 the right to know. Article 21, हमने आपको बताया था हमारे Constitution में कुछ fundamental rights हैं, उसमें से एक Article 21 है। Article 21 कहता है right to know, यानी हमें जानने का अधिकार है। तो पहली बार ये case जब हुआ Reliance Petrochemical, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास राइट टू नो है और इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए। और इसी के बाद एक लॉ बनाया गया जिसका नाम क्या था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू नो इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। हमने आपको बताया था डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? राइट टू चूज। हम चूज कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, हम डिसीजंस ले सकते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब अगर हमने गवर्नमेंट चूज करी है तो हमें अधिकार है कि हम गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेशन रखें। हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कैसे रख सकते हैं? उनसे क्वेश्चन करके। अच्छा, आप खुद सोच के देखिए, अगर हम गवर्नमेंट से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं तो आपको क्या लगता है, वो और बेटर तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे? बेटर तरीके से। क्यों? उनको पता है कि हमसे कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है और हमें उसका जवाब देना जरूरी है। कितने दिन के अंदर? 30 डेज। और अगर गवर्नमेंट ने हमको जवाब नहीं दिया तो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा। इसलिए जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अब ये लोग अपने रिकॉर्ड्स अप टू डेट मेंटेन करते हैं।
क्योंकि इनको पता है कि आरटीआई इतना स्ट्रिक्ट लॉ है कि अगर हमने रिकॉर्ड्स देने में टाइम लगाया, पहले के टाइम पे क्या होता था आपको भी पता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी, साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। जब इन्फॉर्मेशन मिलने का टाइम आया तब गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कह रहे 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। तो ये एक तरीके का पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है कि हमने गवर्नमेंट को चूज किया और हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी हमें अधिकार है ये जानने का कि डेली बेसिस पे गवर्नमेंट कैसे चल रही है, ओके। तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इस लॉ से, इस केस से आया था, रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जहां पर राइट टू नो यानी आर्टिकल 21 पे सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया था, ओके। इसके बाद एक और आर्टिकल है, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे मार्क करेंगे। अब आप मार्क किस में करेंगे, बुक ही नहीं है आपके पास। जब तक आपके पास बुक नहीं, आई थिंक हमने पहले भी बोला था, जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसका प्रिंट या जेरोक्स आप अरेंज कर सकते थे कल। कल फ्री थे कि बिजी थे? फ्री ही होंगे, है ना। तो जो चैप्टर जिसमें चल रहा है, बिकॉज ऐसे करने से कुछ फायदा है नहीं, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक मजा आएगी नहीं पढ़ने में। इंपॉर्टेंट अभी आप मार्क कर नहीं रहे, चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट होता है, फिर आपको लगेगा हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम पढ़े कैसे, फिर नंबर खराब आएंगे, तो फिर आप खुद ही समझदार हैं, है ना। तो देखिए, आपकी पढ़ाई किसी चीज के लिए रुक नहीं सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूट ने बुक नहीं दी। इंस्टीट्यूट एक बार ऐसा हुआ था, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम के 1 महीना पहले बुक्स दी थी। ऐसा हो चुका है इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में, तब कुछ बुक्स में चेंजेस हुए थे तो इंस्टीट्यूट ने बुक दी थी 1 महीना पहले, 1 महीने बाद एग्जाम था और 1 महीना पहले बच्चों की बुक्स आई थी। तो क्या करा जाए, ना पढ़ा जाए? यू नीड टू टेक आउट ऑप्शन। अगर आपके कोई सीनियर्स हैं जिनके पास बुक है, कल आई थिंक कल टू टुमारो इज फर्स्ट नो, कल पेपर हो जाएगा JIJL का, उसके बाद बुक्स, बहुत सारी किताबें फ्री हो जाएंगी JIJL की। ये हमने क्या बोला आपको समझ में आया? एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपको पता है, जून अटेम्प्ट के, कब से? 1 जून से होते हैं पेपर। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो अगला JIJL होगा वो आपका होगा। अब लगा डर थोड़ा सा, अभी अभी तो आए हैं, पहला चैप्टर भी शुरू नहीं हुआ, बट दैट्स द ट्रुथ। कल जो JIJL का पेपर है फर्स्ट को, उसके बाद जो अगला JIJL का पेपर सेट हो रहा होगा वो आपके लिए हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें टाइम पता नहीं चलता है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज पिक अप अ वेरी स्मॉल चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर इसीलिए उठाते हैं ताकि फटाफट ख़त्म हो और उसका टेस्ट हो, ताकि आप पढ़ाई के मोशन में आए थोड़ा सा। तो आज सबको जो काम करना है वो ये, CSET की खुशी हो गई, अब हो गया, निकल गया, अभी उसी खुशी में घूम रहे हैं, है ना। हम तो पास हो गए, अब कोई इंट्रोडक्टरी सेशंस नहीं चल रहे, पढ़ाई शुरू हो गई है। जिसमें जो चैप्टर चल रहा है उसका प्रिंट ले लीजिए, या सबसे आसान तरीका है किसी को जानते हो उनसे आप बुक ले लीजिए JIJL की, या फिर जिसके पास बुक हो 4-5 पन्ने का चैप्टर उसको जेरोक्स करा लीजिए। मैक्सिमम 10-15-20 रुपए का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। एक दिन पैटीज मत खाना, है ना, और क्या। तो इतना कर लीजिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो नेक्स्ट लेक्चर पे आप जब आएंगे तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, मतलब सिनेरियो देखो, हमारे पास सब कुछ है, आप खाली बैठे हैं, हाँ सुनाओ, ऐसे तो बैठ जाते हो। जो टीचर आ रहा है बेचारे के पास बुक भी है, पेन भी है, लिख भी रहा है, आप और बताओ आज, है ना। सो प्लीज़ पढ़ाई शुरू करो भाई। एक आर्टिकल 21 है जिसकी बात हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में करी, और नेक्स्ट पैराग्राफ में जो मार्क करना है आर्टिकल 19, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 है वो बात करता है फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब हमें बोलने का अधिकार है, हमें एक्सप्रेस करने का अधिकार है। हम बोल तभी पाएंगे, एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब हमें कुछ पता हो, और हमें पता हो इज व्हाट, राइट टू नो। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और बन भी चुका है, कि हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बेसिकली कहां से अराइज हुआ। 2 फंडामेंटल राइट्स हैं इसके पीछे, कौन कौन से? आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19।
आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू नो, जो कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया था, और एक है आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 इज व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो देखो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, इट मे बी पॉइंटेड आउट राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इज अ स्पीशी ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने का अधिकार है, हमें एक्सप्रेस करने का अधिकार है. हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं इस टाइम पे, आप क्यों नहीं बोल रहे, हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें चैप्टर आता है. आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको नहीं आता है. जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तब आप टेस्ट देंगे. क्यों? क्योंकि आपको आ जाएगा. स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कोई चीज तभी बोल सकते हैं, कोई चीज तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में जानकारी हो. और जानकारी होने के लिए कौन सा लॉ होना चाहिए? राइट टू इंफॉर्मेशन. ओके, आर्टिकल 19 परमिट्स द स्टेट टू मेक एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स कंफर्ड बाय आर्टिकल 19. अगले पैराग्राफ की लाइन में देखिए लिखा है, अ सिटीजन हैज अ राइट टू इंफॉर्मेशन. ये लाइन हमको पढ़ के बताइए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट रेसिडेंट्स पे लग रहा है कि सिटीजन्स पे लग रहा है? ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, सिटीजन्स पे कि रेसिडेंट्स पे, फर्क क्या है दोनों में? रेसिडेंट कैसे डिटरमाइन होता है? रेसिडेंट कैसे डिटरमाइन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, कि वो इंडिया में कितने दिन रहा. सिटीजनशिप कैसे डिटरमाइन होती है? बाय बर्थ. तो अगर मान लीजिए एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर पीटर वॉज लिविंग इन इंडिया, ठीक है, मिस्टर पीटर अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, ही वॉज लिविंग इन इंडिया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसने एक इंफॉर्मेशन मांगी जिसकी इंफॉर्मेशन उसको 30 डेज के अंदर प्रोवाइड नहीं की गई. मिस्टर पीटर ने आरटीआई एक्ट के अंदर एक अपील फाइल कर दी इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर. नाउ आपको अपना ओपिनियन बताना है कि क्या मिस्टर पीटर की ये अपील सस्टेन करेगी. पहले तो समझो ये क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, मिस्टर पीटर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट अ सिटीजन. मिस्टर पीटर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज. सिंस द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द टाइम लिमिट, an appeal was filed by Mr. Peter to the information commissions. Now, as per your opinion, whether this appeal will sustain as per RTI Act? Yes or no? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? गलती क्या हुई यहाँ पर? वो सिटीजन नहीं है. अब ये जो तरीके के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर लिखने का तरीका समझो क्या होता है. जब भी कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जितने भी लॉ के पेपर हैं आपके, चाहे कंपनी लॉ में तो सारे क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड ही होंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे एसबीईसी में भी होंगे, ठीक है. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिखने का तरीका ये होता है कि हमें 3 पैराग्राफ्स में उसके आंसर लिखने होते हैं. सबसे पहले पैराग्राफ में हम लिखते हैं प्रोविजन ऑफ लॉ. प्रोविजन ऑफ लॉ मतलब इस केस स्टडी में लॉ का कौन सा प्रोविजन लग रहा है, ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ में हम लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं. और थर्ड पैराग्राफ में हम लिखते हैं कॉन्क्लूजन. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन सबको याद है, ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ हमारा था प्रोविजन ऑफ लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कौन सा प्रोविजन लग रहा है इस केस में बताइए. दैट आरटीआई एक्ट इज एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स, ये प्रोविजन लग रहा है. तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन कैन बी सॉट ओनली बाय द सिटीजन्स. ये हो गया प्रोविजन ऑफ लॉ. सेकेंड पैराग्राफ होता है हमारा फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स ऑफ द केस बड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करना होता है. क्वेश्चन में ही तो फैक्ट्स लिखे, ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे इन द गिवन केस. हम आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, लिखवा देंगे. बस एक हम लिखेंगे, उसके बाद जिंदगी के सारे आपको लिखने, ठीक है. अभी तो सिर्फ ओरली बता रहे हैं. फैक्ट्स ऑफ द केस में लिखेंगे इन द गिवन केस मिस्टर पीटर ही वॉज अ रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है. ही अप्लाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन
the information was not provided and therefore he filed an appeal to the information commission. That's it. Bas, itne facts hain. Conclusion kya likhoge? As per the provisions of Right to Information Act, since Mr. Peter was a resident and not a citizen, theek hai? Therefore he cannot file an appeal as the RTI Act is applicable only to the citizens. Ab khatam hua aapka answer. This is how we write case study based answer. अब आई बात समझ में? ठीक है, तो दो तरीके के questions. एक तो direct question होगा, एक तो direct question होगा, उसका answer तो जैसे लिखते वैसे ही होगा. एक होते case study based question. Case study based question को इस तरह से हम लोग लिखते हैं. एक और तरीका होता है case study based questions को लिखने का, yes या no से start करके. Yes he can file an appeal, no he can file an appeal. ये जो तरीका होता है ना yes and no वाला, ये थोड़ा रिस्की होता है. अब समझो रिस्की क्यों होता है. मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता है, ठीक है, आपको आंसर नहीं आता और आपने स्टार्ट कर दिया इसी क्वेश्चन में, आपने लिख दिया yes he can file an appeal. अब एग्जामिनर आपका yes पढ़ते ही क्या करेगा, क्वेश्चन क्रॉस कर देगा और जीरो दे देगा. वो आगे पढ़ेगा ही नहीं कि आपको RTI एक्ट की कितनी जानकारी. आप खुद सोच के देखो, अगर आप पेपर चेक कर रहे होते तो आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करोगे. आपने देखा यस आंसर गलत है, वहीं काट दिया. हम लोग का जो तरीका, इसमें फायदा क्या है, उसने सबसे पहले पढ़ा प्रोविजन ऑफ लॉ. प्रोविजन तो आप बिल्कुल सही लिखेंगे, ठीक है, फिर आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा. कंक्लूजन भले ही आपका गलत हो लेकिन एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, उसने प्रोविजन तो सही पकड़ लिया है. तो जहां जीरो मिलने वाले थे, हो सकता है वहां एक नंबर मिल जाए. और ये एक एक नंबर बड़े जरूरी होते हैं. जब 39 पे बात अटकती है ना, तो एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. हो सकता है एक एक नंबर ही करके आपके नंबर आए. हाँ नहीं, एक एक नंबर करके 39 क्वेश्चन थोड़ी होते. बट दिस इज हाउ वी कैन गेट द मार्क्स इन दोज क्वेश्चन जो हमें नहीं आता. जो हमें आता उसमें तो मार्क्स ले ही आएंगे, जो नहीं आता उसमें भी एग्जामिनर को मत दिखाओ कि नहीं आता. एग्जामिनर को दिखाओ, अरे हमसे अच्छा तो किसी को आता ही नहीं है. समझ आ गया? तो दिस इज हाउ वी राइट केस स्टडी बेस्ड आंसर. ओके, यू आर आस्किंग समथिंग. हाँ बेटा. नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि उन्होंने कोई कंपनी दे दी और कहा केस स्टडी लिखो. इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से पता है कि आप यही पढ़ लो, यही बहुत है. इंस्टीट्यूट को आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आपको बाहर की नॉलेज होगी. वो तो इसी पे डाउट करते हैं, इसी की नॉलेज हो जाए 8-9 महीने में. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक है, जो बुक में है वो ही आएगा बस. मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके अमेंडमेंट्स, दैट्स इट. इसके अलावा बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा. जो ईईटी में आपके साथ होता था ना कि बुक से कुछ नहीं आया, अब सब कुछ बुक से आएगा. ओके, मॉड्यूल से आएगा सब कुछ. चलो, तो ये कह रहे हैं अ सिटीजन हैज अ राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड दैट राइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. द स्टेट इज नॉट ओनली अंडर एन ऑब्लिगेशन to respect the fundamental rights but is equally under an obligation to ensure conditions under which these rights can meaningfully be enjoyed. To is pure topic se sirf ek question hai jo ban sakta hai ki ye hamara jo act hai right to information ye kahan se arise hua. ye arise hua hai do fundamental rights se. ek kaun sa fundamental right tha, article 21 which is right to know, jo ki Reliance Petrochemical wale case mein bataya gaya tha. और दूसरा है हमारा आर्टिकल 19 विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके फाइन, इसकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा मत जाइएगा कि हमें एज इट इज एक एक वर्ड एक एक लाइन याद करनी है. हमने पहले भी आपको बताया है एज फार एज लॉ इज कंसर्न आपको हिंदी में समझना है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है, दैट्स इट. कोई बर्डन मत लीजिए कि इतनी हाई फाई लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे. उन्होंने याद करके थोड़ी लिखी है, उन्होंने तो किसी बुक से लिखी है कॉपी करके, याद थोड़ी करके लिखा है उन्होंने. तो आपको मतलब समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है. ओके चलो, अब हम लोग बात करते हैं राइट टू. यहां से देखो एक्ट स्टार्ट हो रहा है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर इफेक्चुएटिंग राइट टू इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 19. वही बात इन्होंने फिर से कही कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये कौन से फंडामेंटल राइट से अराइज हो रहा है, आर्टिकल 19. क्या था आर्टिकल 19?
freedom of speech and expression. It may be pointed out, right to information bill, ये आपको पता है कि कोई भी act पहले क्या होता है, bill, ठीक है, bill होता है, फिर वो दोनों houses से pass होता है, फिर president की assent मिलती है, और फिर वो क्या बन जाता है, act. तो बिल्कुल वैसे ही ये right to information bill था, जो कि लोकसभा ने pass किया 11th मई को, राज्यसभा ने पास किया 12th मई को, और फाइनली प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई 15 जून को. क्योंकि एमसीक्यू पेपर नहीं है तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लेंगे इनको भी, करेंगे, जरूरत ही नहीं है क्या करना. ओके फाइन. अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट. यहां से मेन एक्ट स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहले कह रहे हैं द आरटीआई एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. पहले कई जगह पर या बहुत सारे एक्ट में हम लोग ऐसा देखते थे द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जेएनके, कई जगह ऐसा लिखा होता था. लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया. अब अगर मान लीजिए अगेन केस स्टडी में इस क्वेश्चन आता है, मिस्टर राम अ रेसिडेंट ऑफ कश्मीर, ठीक है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक सेकेंड के लिए मन में डाउट अराइज होता है, आपने ये एक लाइन पढ़ ली, एग्जाम तक यही एक चैप्टर थोड़ी रह जाएगा, बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं आपने. अब उसमें आया मिस्टर राम अ रेसिडेंट ऑफ कश्मीर वांटेड टू हैव एन इंफॉर्मेशन सो ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज अंडर आरटीआई. हिज एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज नॉट सपोज टू फाइल एन एप्लीकेशन सिंस ही इज अ रेसिडेंट ऑफ कश्मीर. एज पर योर ओपिनियन वेदर कंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी इज जस्टिफाइड. ये क्या हुआ, क्वेश्चन बोला हमने अभी तो, सिर्फ क्वेश्चन बोला, समझ आया, लैंग्वेज छोड़ो मतलब समझ आया, हुआ क्या, क्या आंसर होगा इसका. मिस्टर राम थे कहाँ के रेसिडेंट थे, कश्मीर के, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी आरटीआई के अंडर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ये कह के दैट द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कश्मीर. ठीक है, इतना भी नहीं लिखेंगे और कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ ये लिख देंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन. ठीक है, As per your opinion, whether Mr. Ram is supposed to file an application under RTI, file कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं Mr. Ram? अच्छा, अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, citizen है, इतना भी हमने deeply नहीं सोचा था, अरे बहुत low सोच ली. resident का मतलब मेरा था कि he is residing in Kashmir. राम है, नाम से सोचो, इंडिया के ही है, इसीलिए तो राम और पीटर लिया था हमने. I hope you have got the point. It is applicable to whole of India. Second, ये point देखिए जरा बड़ा interesting है. It provides a very definite day for its commencement. That is 120 days from enactment. देखिए हुआ क्या, जब ये act आया, जब ये launch हुआ 2005 में, तो government department से कहा कि भैया आज ये act launch हो गया और कल से ये act लागू हो गया. यानी कल से आपसे कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और आपको 30 दिन के अंदर देनी पड़ेगी. जैसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही कहा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहा भैया रुको, हमें तैयारी तो करने दो, रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने दो. हमने आपसे कहा हम कभी भी आपकी कॉपी चेक कर लेंगे, आपने कह रही नहीं मैम पहले बता दीजिए कि हम कॉपी में होमवर्क पूरा करके तो लाएं. बिल्कुल वही हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ. पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लगता था हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता, पूछ के देखे हम सालों उनको नचा देंगे, कल आना परसों आना, है ना, आज संडे है, आज सेकेंड सैटरडे है. अब क्या हुआ, जैसे ही एक्ट लागू हुआ उन्होंने कहा कल से आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, और जैसे ही पूछेगा 30 डेज में इंफॉर्मेशन देनी है. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहा भैया हमको कुछ समय दो, हम रिकॉर्ड्स अप टू डेट तो कर ले. इसके लिए उनको समय दिया गया, बताओ कितना. कह रहे हैं इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट डे फॉर इट्स कमेंसमेंट. कमेंसमेंट मतलब शुरू करना. एक्ट पास तो हो गया लेकिन शुरू कब से हुआ, 120 डेज फ्रॉम इनएक्टमेंट. जिस दिन इनएक्ट हुआ, जिस दिन लॉ बना, वहां से 120 दिन बाद लागू होना शुरू हुआ. 120 दिन का समय दिया गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि भैया अपनी तैयारी कर लो. एक बात बताओ, अब इस 120 दिन की कोई यूज है, खत्म हो गया ना वो तो. 2005 में आया था, जब लागू हुआ तब से 120 दिन दिए, आज क्या हर बार अब 120 दिन दिए जाएंगे? नो. तो आज इसकी देखा जाए तो कोई रेलेवेंस नहीं है.
लेकिन क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है कि जब ये एक्ट आया, कह रहे हैं इनएक्टमेंट से, ये लाइन समझना लॉ की, इनएक्टमेंट से 120 दिन के बाद कॉमेंसमेंट हुआ। व्हाट डज दिस लाइन मीन? इनएक्टमेंट के 120 दिन बाद कॉमेंसमेंट हुआ। इनएक्ट मतलब जिस दिन पास हुआ, कॉमेंस शुरू कब से हुआ? 120 दिन बाद, यानी पीपल वर अलाउड टू टेक इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर 120 डेज। ठीक है, तो दो फीचर्स पढ़ लिए। पहला क्या था, हमारा एक्ट कहाँ लागू हो रहा है, होल ऑफ इंडिया में, एंड सेकेंड कब से लागू हो रहा है, 120 डेज आफ्टर इनएक्टमेंट। थर्ड, ये तो हम लोग को पता ही है किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, पब्लिक अथॉरिटी। प्राइवेट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती, सिर्फ और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन किससे मांगेंगे, पब्लिक अथॉरिटी से। ये क्या लिखा है, अगला पॉइंट आता है ये, ऑल सिटीजंस शैल हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। किसके पास अधिकार है इंफॉर्मेशन मांगने की, सिटीजंस। ओके, नाउ अगला पॉइंट देखिए, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये कहा गया कि भैया आपसे कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और आपको 30 दिन के अंदर देनी है, तो आपको पता है कि हमारे देश के लोगों के अंदर भी बड़े एक्साइटमेंट है इंफॉर्मेशन मांगने की, कुछ लोग खाली ही हैं इसी काम के लिए, अच्छा अब ये बताओ, अब ये बताओ, है ना। तो जब ये एक्ट आया तो कुछ लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगनी शुरू कर दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उस साल के रिकॉर्ड्स निकाल के दिखाओ, इस चीज़ का एक्सपेंडिचर बताओ, ये चीज़ बताओ, पूछने लगे बार बार। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि भैया हम इनकी इन्फॉर्मेशन ही देते चले जा रहे हैं, काम ही नहीं कर पा रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम बात बात में आपसे कह रहे हैं अच्छा अब दिखाओ कॉपी में क्या लिखा, अब दिखाओ कॉपी में क्या लिखा, अगली लाइन क्या लिखी, आप कह रहे मैम लिखने तो दीजिए, लिख हम पा नहीं रहे, दो दो मिनट में आप चेक कर रही हैं। तो जब ये एक्ट लागू हुआ तो लोगों ने इतनी इन्फॉर्मेशन मांगनी शुरू कर दी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहा भैया हम काम नहीं कर पा रहे, हमारी नॉर्मल वर्किंग नहीं हो पा रही। एक तो वो 30 दिन का और आपने वो बोल दिया हमसे, 30 दिन जैसे ही होने वाला हमें लगता है डीम रिफ्यूजल हो जाएगा, तो हम सारा काम छोड़ के वही करने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है काम करते हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं इसी काम के लिए। उस ऑफिसर का काम ही यही है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा, वो बाकी काम नहीं करेगा। तो बाकी जो वर्किंग है वो बाकी वर्किंग होती रहे और वो जो ऑफिसर है वो ऑफिसर सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेगा और इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसे ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंट किए गए सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनको हम लोग कहते हैं PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। नाम से समझो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। क्या काम है इनका, इन्फॉर्मेशन देना। कहां पे अपॉइंटेड है, पब्लिक अथॉरिटीज में, तो इनका नाम होता है PIO, और इनका असिस्टेंट जो होता है वो कौन होता है, असिस्टेंट PIO, PIO एंड असिस्टेंट PIO। यानी आज अगर आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगनी है तो आपको किसे संपर्क करना पड़ेगा, PIO या असिस्टेंट PIO। ओके, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल to deal with the request for information and also to assist person seeking information. मान लीजिए आप चले गए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आपने कहा भैया इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसने कहा RTI के थ्रू आओ, आपने कहा नहीं RTI वर्टी हमें नहीं पता कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, हमको नहीं पता। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये PIO की ड्यूटी है कि वो आपको बताए कि इन्फॉर्मेशन कैसे मांगनी है। ओके, तो PIO एक तरह से देखा जाए वो पर्सन है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं। नाम कैसे याद होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, नाम ही उनका है इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वो किस पर्पस के लिए अपॉइंट किए गए हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए। कहाँ अपॉइंट किए गए हैं, पब्लिक अथॉरिटीज में, एंड देयरफॉर PIO याद रहेगा, PIO। ओके, तो सबसे फर्स्ट सेलियंट फीचर क्या पढ़ा हम लोगों ने, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सेकेंड, कब से कमेंस होगा, 120 डेज फ्रॉम इनएक्टमेंट। थर्ड आप बता दो, हाँ किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर। फोर्थ देख के बता दो, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सिटीजंस। ठीक है, कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सिटीजंस मांग सकते हैं। एंड अभी अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, PIO। ओके, ये वो पर्सन है जिसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया है इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, फी विल बी पेबल बाय द एप्लीकेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट। फ्री नहीं है लेकिन बड़ी नॉमिनल फीस है।
ठीक है, फीस बहुत कम है लेकिन फ्री नहीं है। अगर सोचिए फ्री होता तो आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ पूछते ही रहते, बोर हो रहे हैं आज, क्या किया जाए, चलो आरटीआई फाइल कर दे। अच्छा आरटीआई में सबसे अच्छी चीज, आरटीआई की वेबसाइट देखी थी हमने आपको बोला था, उसमें सबसे अच्छी चीज ये, सबसे पहले वो आपके डिटेल्स मांगता है, अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ, ये बताओ, आधे ज्यादा लोग वहीं से भाग आते हैं, रहन दो, है ना। जैसे अभी हम आपसे कहें एक शिकायत पेटी है, उसमें आपको शिकायत डालनी, अपना नाम नहीं लिखना है, भर जाएगा पूरा, है ना। ये कैसे करा है ना आपने, स्कूल में भी होता था सजेशन बॉक्स या कंप्लेंट बॉक्स, तो हम कहें कंप्लेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी कंप्लेंट डाल दीजिए, अपना नाम ना लिखिए, भर भर के आ जाएंगी, जब देखो पढ़ाती रहती हैं, सुबह सुबह बुला लेती हैं, अभी तो सोए थे 7 बजे, है ना, ऐसी कंप्लेन्स आएंगे। और अगर हमने आपसे कहा अगर आपको कंप्लेन करनी है करिए, पहले अपना पूरा नाम बताइए, तो आप डर जाएंगे, अरे रहन दो छोड़ो हटाओ। बिल्कुल वैसे ही आरटीआई ने किया, आरटीआई कह रहा है पहले अपने पूरे डिटेल्स दो फिर इंफॉर्मेशन मांगो। एक्चुअली उनका पर्पस ये है कि आप अपने डिटेल्स दीजिए ताकि हम इंफॉर्मेशन मांग के आप तक पहुंचा सके, इसलिए आपको अपने डिटेल्स देने पड़ते हैं। तो पहले डिटेल्स दीजिए, अपना क्वेश्चन बताइए, फीस पे करिए, तब जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। फीस इज वेरी नॉर्मल। आगे देखिए लिखा है, अगले दो पॉइंट्स हम आपको पहले बता चुके हैं, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब अच्छा दो बातें हम आपसे कहेंगे बताना, एक ही चीज है कि अलग अलग है। कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है एंड सेकेंड कुछ डिपार्टमेंट्स एग्जेम्प्ट है, दोनों बातें समझना। पहली बात हमने आपसे बोली कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है, यानी वो इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। फिर हमने आपसे कहा कुछ डिपार्टमेंट से एग्जेम्प्ट है, मतलब उन डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती, दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले हमने आपसे कहा कुछ डिपार्टमेंट एग्जेम्प्ट है, उन डिपार्टमेंट से हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी, हमने आपको बताया था ना हमारी कंट्री में बहुत सारी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो ये टेररिस्ट वगैरह के बारे में पता लगाते हैं। हम लोग का भरोसा नहीं, हम लोग यही पूछ लेते हैं बताओ किसको किसको पकड़ लिया, कहाँ कहाँ सीक्रेट प्लान है, उस स्लीपर सेल कौन कौन है ना, यही पूछ लिया, टाइम पास नहीं हो रहा था। ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, इनसे आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम सब कुछ पूछ सकते हैं लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट होती है। तो देयर आर टू कैटेगरीज, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे कुछ भी नहीं पूछ सकते और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे हम सब कुछ पूछ सकते हैं लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पूछ सकते विच इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो आप हमको पढ़ के बताओ ये ऊपर वाला डिपार्टमेंट्स एग्जेम्प्ट है कि इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है, इंफॉर्मेशन, और नीचे वाला डिपार्टमेंट्स, नीचे वाले में देखो क्या लिखा है, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी इंफॉर्मेशन नहीं है डिपार्टमेंट है। हमारी कंट्री में जितने भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हैं दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द एक्ट, उनको एक्ट से ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब उनके ऊपर कोई प्रोविजन लागू नहीं हो रहा। तो जितनी भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके ऊपर आरटीआई लगेगा ही नहीं, हम इनसे इंफॉर्मेशन मांग ही नहीं सकते। इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम सारी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। फॉर एग्जाम्पल आप अपने इंस्टीट्यूट से ये इंफॉर्मेशन तो मांग सकते हैं कि भैया बताओ पेपर चेक कैसे किया, आप ये नहीं कह सकते पेपर में दिया क्या क्या है। आपने कहा अच्छा ये सही चैप्टर पढ़ा दिया मैम ने, अब आपने आरटीआई में सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करी, ये बताओ जेआईजीएल में कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के दिए हैं, और नीचे आपने लिख दिया 30 दिन में बता देना, नहीं तो पढ़ के आए हैं डीम्ड रिफ्यूजल है, और अगर रिफ्यूजल हुआ तो हम सीधे अपील करने चले जाएंगे, इंस्टीट्यूट को धमकी दे दी, ठीक है, फिर आपकी डिग्री का क्या होगा वो आप जाने। अब देखो आईसीएसआई डिपार्टमेंट एग्जेम्प्ट नहीं है, आईसीएसआई से हम कुछ इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कुछ नहीं मांग सकते। मान लीजिए आपको पता चला कि आईसीएसआई बच्चों से किसी कुछ एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब वो आपसे फीस लेते हैं तो उसका ब्रेकअप देते हैं, फीस का ब्रेकअप,
रजिस्ट्रेशन फीस इतनी है, बुक्स की इतनी है, ये इतनी। अब उसमें एक लिखा था मिसलेनियस फीस 50,000। ठीक है, आप जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें सब लिखा था, इसकी 5,000, इसकी 10,000, सब कुछ ही था। नीचे लिखा था मिसलेनियस फीस 50,000, 50,000 रुपए। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आई, करें तो करें क्या, ये किस बात की फीस है? आप आरटीआई में जाके ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं, बताइए। आप पूछेंगे बाकी सब तो ठीक है, ये मिसलेनियस क्या है? वो कह रहे कुछ नहीं, हमारे पार्टी का टिक खर्चे। कर सकते हैं? ये नहीं, ये इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं, ये उनको देना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि हमको ये बता दो पेपर में क्या क्या दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन दिए है, ये नहीं मांग सकते। तो ICSI इज नॉट एग्जेम्प्ट, बट सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ICSI इज एग्जेम्प्ट। और अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, दे आर होल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, तो ये दो अलग अलग बातें हो गई। सर्टेन कैटेगरीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड, जो कि सेक्शन 8 और 9 में है, और इंटेलिजेंस सिक्योरिटीज एजेंसीज जो शेड्यूल 11 में दी हैं, वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे सेलियंट फीचर्स। सबसे पहला, अब दिख रहे हैं सबको, अब बताओ पहला। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एक बार उधर देखें फिर हमें देखें। आप इतनी आंखें कहाँ इधर उधर बार बार चलाओगे, सीधे उधर ही देख के फटाफट बोल डालना। ठीक है, दिक्कत हो रही होगी ना, पहले उधर देखें फिर मैम को देखें फिर उधर देखें फिर मैम को देखें, तो पूरा यही देखो बस। फर्स्ट, आवाज नहीं आ रही, ऐसे भुनभुना से रहे हो, मजा ही नहीं आई हमको। सब लोग साथ में बोलो कोरस में, किस पे अप्ले? बच्चे नहीं कभी देखा क्लास फर्स्ट सेकेंड के बच्चों को, ए बी है ना, ऐसे चिल्ला के बोलो, एनर्जी आए, एक दो की नींद खुल जाएगी इसी बहाने। क्या हुआ, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अब लगा कोई बैठा है। हाँ, सेकेंड कब से एप्लीकेबल होगा? 120 डेज फ्रॉम इनएक्टमेंट। फिर थर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है? वेरी गुड। फोर्थ, सिटीजंस एप्लीकेशन दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। फिर PIO कौन होता है? PIO का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनका असिस्टेंट भी होता है, उसको क्या कहते हैं? असिस्टेंट PIO। क्या काम होता है इनका? कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन से ईयर में आया? कौन से फंडामेंटल राइट की वजह से बनाया गया? आर्टिकल 21 राइट टू नो, और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 राइट टू नो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स। हाँ ठीक है, इतना ही याद रहे, बहुत है। ऐसा जोश पहले चैप्टर में होता है, पहले के कुछ पन्नों में। हाँ और क्या, अभी सब होगा, अभी नोट्स भी बनेंगे साफ साफ, है ना, घर जाके पढ़ाई भी होगी, अभी बुक्स आएंगे तो और मजा आएगी, बस एक दो चैप्टर तक ये एनर्जी रहती है। ओके, नेक्स्ट आइए। हाँ, ये दो पॉइंट्स भी थे, सर्टेन कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एग्जेम्प्ट होती हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं। अब पढ़ते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। एज स्टेटेड अबव, RTI एक्ट confers on all citizens a right to information. The Act provides for setting out practical regime of right to information for citizens to secure access to information held by public authority. वही बात लिखी है घूम फिर के, citizens मांग सकते हैं, किससे मांग सकते हैं? Public authority से। क्यों मांग रहे हैं? Transparency और accountability के लिए, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब ट्रांसपेरेंसी रहे, वो क्या काम कर रहे हैं हम उनसे पूछ सकें, वो हमें अकाउंटेबल हो, इस पर्पस के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये दोनों वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके लिए उन्होंने देखिए केस लॉ लिखा है। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड गवर्नेंस? गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? आपके इंस्टीट्यूट का विजन क्या है? अच्छा, आपका इंस्टीट्यूट क्या है, कौन सा है? चलो थैंक गॉड। ICSI का फुल फॉर्म,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन भूल गया बीच में, कोई डाउट है? हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूट का एक विजन है, एक मिशन है और एक मोटो है। विजन क्या था? क्या बनना चाहते हैं? अब मैम ये गलत बात है, ईटी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। टू बी अ ग्लोबल लीडर, विजन पूछा था, हाई कैलिबर अपना याद रहेगा आपको। मिशन विजन था टू बी अ ग्लोबल लीडर इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। वहां गवर्नेंस शब्द था, इसलिए गए थे हम वहां। गवर्नेंस का मतलब क्या था? गवर्नेंस का मतलब बेसिकली सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो होना, ठीक है, सब कुछ अच्छे से मेंटेन होना इज गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कंपनीज में सब कुछ अच्छे से मेंटेन होना। अब यहां पर ये कह रहे हैं आरटीआई एक्ट और गुड गवर्नेंस का रिलेशन क्या है जो इस एक्ट में दिया गया, ये नया केस लॉ है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं आरटीआई एक्ट और गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? आरटीआई सिटीजंस को अधिकार दे रहा है पूछने का, और क्योंकि सिटीजंस पूछ सकते हैं इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज अब गुड गवर्नेंस मेंटेन करेंगी। अगर आपको पता है, ठीक है, अच्छा ऐसे सोचिए, जिस दिन आपको पता है कि कोई गेस्ट घर में आ सकता है, जैसे दिवाली वाली का टाइम होता है, आपको पता होता है कभी भी कोई भी आ सकता है, तो घर साफ ऑफ करके रखते हो कि और फैला के रखते हो कि आएगा खुद ही करेगा? साफ ऑफ करके रखते हो। और जब आपको लगता है अरे कोई नहीं आने वाला है, तो आप आराम से चिल करके बैठते। दिस इज वॉट इज द डिफरेंस। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता है कि कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, तो भैया सब रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करके रखो, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखो, अच्छा गवर्नेंस रखो। और जब उनको पता था कि कोई कुछ नहीं पूछ सकता, जब आरटीआई एक्ट नहीं था, तो वो कुछ भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, कुछ भी काम करते थे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस? आरटीआई एक्ट के आने से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंप्रूव हुए कि खराब हो गए? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सब मेंटेन करके रखो। तो जब से आरटीआई एक्ट आया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नेंस इंप्रूव हो गई है। वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं, सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, सब कुछ अच्छे से इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। सो दिस इज हाउ आरटीआई इज रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस। और इसका ये केस है, देखिए, अंजलि भरद्वाज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कह रहे हैं द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट, अंडरलाइन करिए, देयर इज अ डेफिनेट लिंक बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। अगर हमने आपका जेआईजीएल का इंस्टीट्यूट का पेपर बनाया होता, तो हम ये क्वेश्चन 200% पेपर में देते। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले ये नहीं था, ओल्ड बुक्स जो थी, ओल्ड सिलेबस जो था, उसमें नहीं था। एंड आई एम वेरी श्योर इंस्टीट्यूट देगा जरूर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये केस लॉ पहले नहीं था, नया केस लॉ आया है, और इस केस लॉ पे बेस करके इन्होंने ये पूरा डब्बा बना के दिया है। डब्बा समझ गए, ये केस लॉ वाला डब्बा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉट इज द लिंक बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। मतलब हमने आपको समझा दिया राइट टू इंफॉर्मेशन और गुड गवर्नेंस का लिंक है कि नहीं है। यस, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन है, लोगों के पास पूछने का अधिकार है, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और इसका सपोर्टिंग केस कौन सा है? अंजलि भरद्वाज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया भूल जाए कोई बात नहीं, अदर्स भी भूल गए, अंजलि याद रह जाए वो ही ठीक है। आप कहेंगे हाँ अंजलि याद रह जाएगी, है ना, उतना ही लिख देना, बट कोशिश करना एटलीस्ट इतना लिख देना इन द फेमस केस ऑफ अंजलि भरद्वाज। अब हो सकता है आपने अंजलि के आगे अपना अपना सरनेम कोई लगा दिया, हमारी वाली अंजलि का तो ये नाम है ना? तो ठीक है, केस लॉ बहुत जरूरी नहीं है, बट अगर पढ़ते पढ़ते कुछ केस लॉ आपको याद रह जाए, वेल एंड गुड। जैसे आर्टिकल 21 का कौन सा केस लॉ था? रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। लिंक बिटवीन गुड गवर्नेंस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन इज अंजलि भरद्वाज अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए कह रहे हैं, इनफैक्ट आरटीआई एक्ट इटसेल्फ लेज एम्फेसिस ऑन गुड गवर्नेंस।
एंड रिकॉग्नाइजेस दैट इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच द सेड एक्ट सीक्स टू अचीव. कह रहे हैं गुड गवर्नेंस करना ही तो इस एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव था, पर्पस तो यही था कि हम कब पूछ इसीलिए सकते हैं ताकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सही से काम करे. ठीक है, अगर हमारे पास अधिकार ना होता पूछने का तो वो सही से काम ना करते. अब देखिए इसमें लिखा है चार मेजर एलिमेंट्स हैं गुड गवर्नेंस के लिए. कह रहे गुड गवर्नेंस के लिए चार चीजें होना जरूरी है. ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. व्हाट डू वी मीन बाय दिस लाइन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. मतलब पब्लिक अथॉरिटी कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इस चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियर हो, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी देख सकता है, बाहर वालों को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे काम कर रहा है. ओके, सेकंड इनफॉर्म्ड सिटीजनरी फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या हुआ इनफॉर्म्ड सिटीजनरी? मतलब सिटीजनरी किसको बोल रहे हैं? सिटीजंस को. इनफॉर्म्ड सिटीजनरी मतलब सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे चल रही है. थर्ड इम्प्रूवमेंट इन अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. एंड इससे क्या करप्शन रिड्यूस हुआ होगा? आपको क्या लगता है आरटीआई एक्ट आने के बाद से करप्शन कम हुआ होगा? क्यों करप्शन कर पाएगी गवर्नमेंट अब? क्योंकि उसको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा आरटीआई को. आपको पता है बहुत सारे लोग आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं. आरटीआई एक्टिविस्ट का मतलब समझिए, नॉर्मल लाइफ में हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आरटीआई में जाके एप्लीकेशन फाइल करे बार बार. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि वो बार बार आरटीआई में अलग अलग डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं. ठीक है, सो दे आर नोन एज आरटीआई एक्टिविस्ट. और यही लोग, और आजकल तो आपको पता है मीडिया कितना स्ट्रांग है. एक बार हमने आरटीआई में एप्लीकेशन दी, कुछ भी ऊपर नीचे निकला, सीधे वो इन्फॉर्मेशन मीडिया में चली जाती है. सो इन सब चीजों से अल्टीमेटली करप्शन हैज रिड्यूस्ड. तो ये चार मेन ऑब्जेक्टिव हैं गुड गवर्नेंस के लिए, और ये चारों चीजें इंश्योर कर रहा है हमारा कौन सा एक्ट? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ठीक है, हो जाएगा, आगे चले. The right to information, therefore, is not only a constitutional right of citizens, but there is now a legislation in the form of RTI Act. इस line का मतलब क्या हुआ? This is not only a constitutional right, but now there is a legislation. मतलब? Legislation मतलब? law. कह रहे हैं, अब ये सिर्फ constitutional right नहीं है, इस पे एक law भी है. कौन सा law है? RTI, which provides a legal regime for people to exercise their fundamental rights. The very preamble of the act, what is a preamble? Preface, जैसे book का preface होता है, जो आप छोड़ देते हो, नहीं पढ़ते हो, वो ही preface होता है, जो first page पे लिखा होता है, ठीक है? Preface means a small introduction. कह रहे act के introduction में ही लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, करप्शन को कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है. समझ आ गया? ठीक है, ये ब्लॉक में जो क्वेश्चन दिया है देखो थोड़ा टफ है, हमसे हो नहीं पा रहा था. आप हेल्प कर सकते हैं? आप कह रहे हैं हाँ हेल्प कर सकते हैं, नीचे आंसर दिया है ना. विच ऑफ द गिवन इज प्रोवाइडेड विद आरटीआई अंडर आरटीआई एक्ट. किस क्वेश्चन भले नजर में आपको आंसर से समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है? रेसिडेंट मांग सकते हैं, पीपल मांग सकते हैं, ऑल पर्सन हैविंग एज ऑफ एटलीस्ट 21 मांग सकते हैं कि सिटीजंस मांग सकते हैं? सिटीजंस. ठीक है, एक्चुअली इंस्टीट्यूट को लगता है ऐसे टफ टफ क्वेश्चन है तो आंसर यही दे दो. ओके, अब देखिए स्टार्ट हो रही है डेफिनेशंस. किसी भी एक्ट में डेफिनेशंस होती है. ओके, लॉ में डेफिनेशंस का मतलब जो वर्ड्स इस एक्ट में यूज किए गए हैं उनका क्या मीनिंग है. ये जो डेफिनेशंस होती हैं ये हमेशा सेक्शन 2 में होती हैं किसी भी एक्ट के. जितने भी लॉ आप पढ़ेंगे, आज तक कौन कौन से एक्ट पढ़े हैं आपने? अभी शुरू ही किया है ना, कोई बात नहीं. अच्छा पढ़ा है ईटी में भी तो पढ़ा है, कंपनीज एक्ट. ओके, कंपनीज एक्ट पढ़ा है और आरटीआई. क्या बात है,
सो इंटेलिजेंट डांस है, आरटीआई पढ़ा है, और ऐसे बताओ कभी कहीं पढ़ा हो कोई एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, और नेगोशिएबल पढ़ा है, और वेरी गुड, आप लोगों ने कोई एक्ट नहीं पढ़ा। अभी अभी ईईटी की मार्कशीट निकलवा रहे हैं, ईईटी में कोई एक्ट नहीं पढ़ा। अच्छा बाप रे, इतना सोचना पड़ रहा है, कौन सा लॉ पढ़ा, कंपनीज एक्ट के अलावा और कौन सा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था कह रहे, अच्छा वो बताना है, ऐसे बताओ इंडेक्स सुनानी है, और कौन सा एक्ट पढ़ा, और कौन सा पढ़ा एक्ट, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। लीगल एप्टीट्यूड के इंडेक्स याद कर लीजिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा था, पढ़ा था, वो भी एक एक्ट है, ठीक है, और कंपटीशन ईटी में तो नहीं था। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, ये याद है, डेफिनेशंस थी उसमें, सेक्शन कौन सा था उसका, सेक्शन 2 था, डेफिनेशन का हमेशा सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 1 क्यों नहीं होता, एक्सटेंट होता है, एब्सोल्युटली जो सेक्शन 1 होता है किसी भी एक्ट का, उसमें एक्ट का नाम होता है और उसका एक्सटेंट होता है, मतलब दिस एक्ट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू, ये सेक्शन 1 होता है जो जनरली आपकी बुक्स में नहीं होता है, ठीक है। और सेक्शन 2 जो होता है वो होती है डेफिनेशंस, डेफिनेशंस का मतलब इस पूरे एक्ट में जहां कहीं भी कोई शब्द आएगा उसका मीनिंग ये है। अब समझिए एक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये तरीका नहीं होता है जैसे हमने पहले डेफिनेशंस याद कर ली फिर हम आगे पढ़ रहे हैं, नो, कोई केस आया आरटीआई के अंदर, हम लोग को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना है, ठीक है। मान लीजिए कोई केस आया, जैसे अभी हमने आपसे कहा मिस्टर राम अ रेसिडेंट ऑफ कश्मीर, उन्होंने पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगी, या चलो आप ही वाला केस ले लेते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ICSI, उसको ये एक्सपेक्टेशन थी कि उसके मार्क्स JIGL के पेपर में 85 आएंगे, लेकिन उसके सिर्फ 5 आए, 8 रह गया, 85 लग रहे थे लेकिन 5 नंबर आए, तो ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर RTI टू द ICSI फॉर सीकिंग द इंफॉर्मेशन कॉपीज, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया रिप्लाइड दैट ICSI डजंट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एज गिवन अंडर RTIR, सो एन एप्लीकेशन अंडर RTI विल नॉट बी मेंटेन्ड। अंग्रेजी में बोल गए जरा, अभी बता रहे हिंदी में क्या बोला हमने, हमने ये कहा एक बच्चा था जिसको लग रहा था कि उसके JIGL में 85 मार्क्स आएंगे लेकिन 5 नंबर आए, उसने RTI के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करी और इंस्टीट्यूट से ये कहा कि भैया हमारी कॉपीज दिखाइए, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप RTI के थ्रू नहीं आ सकते क्योंकि RTI इज एप्लीकेबल ऑन पब्लिक अथॉरिटी एंड ICSI इज नॉट गवर्न अंडर पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, इसलिए आप RTI के अंडर केस फाइल नहीं कर सकते। अब ये मामला गया कोर्ट में, ठीक है, आप हैं कोर्ट के जज, एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि आप जज हैं, सिर्फ एक मिनट के लिए इमेजिन करना, इससे ज्यादा नहीं। अब बताइए एज अ जज आप क्या डिसीजन देंगे और कैसे डिसीजन देंगे, रेज योर हैंड एंड देन टेल। आप कह रहे हैं पहले रुको, जज की तरह फील हो जाए, है ना, जज बन गए, बताइए आप जज हैं, आपके सामने ये केस आया है, हाउ विल यू गिव द डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आप, एनीवन, कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। दो तरफ के वकील थे, एक वकील कह रहा है पब्लिक अथॉरिटी है, दूसरा कह रहा है नहीं है, जज को ही बोलना है जो बोलना है, जज क्या बोलेगा, कैसे डिसीजन लेगा कि ICSI के ऊपर ये एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये जज बता रहा है, कैसे पता जज को, किस में लिखा रहता है, जज हो सोच लो, ये जज बोल रहा है, ये तो दिया ही है एक्ट में, हम चाह रहे हैं जज कैसे बोलेगा, जज कैसे फैसला सुनाएगा। किसके सेक्शन में, सेक्शन नंबर नहीं पूछ रहे, कौन से एक्ट में लिखा है, अंदर ही तो है। देखो जब आप जज की बात कर रहे हो, कोर्ट की बात कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे आंसर्स मत दो कि यार लिखा तो है ही, सब पता तो है ही आपको, क्या बताएं,
जज क्या बोलेगा ऐसी सिचुएशन में? आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हो कि जज को सीएस के बारे में सब कुछ पता है? जज जज है भाई, उसके सामने एक नॉर्मल केस आया और सवाल ये उठ रहा है कि आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं है, तो बताओ जज क्या बोलेगा? जज कहेगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की डेफिनेशंस में पहले ये देख कर आओ कि पब्लिक अथॉरिटी किसे मानते हैं और किसे नहीं मानते हैं। नाउ दिस इज द टाइम जब आप डेफिनेशन रेफर करोगे, डेफिनेशन याद नहीं की जाती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जज को छोड़िए, नॉर्मल सिचुएशन समझिए। आप सीएस हैं, आपके सामने कोई ऐसा केस आ गया कि भैया हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आरटीआई की एप्लीकेशन दी थी, वो कह रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, वो क्लाइंट है आपका, आपके पास आया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखने के लिए कि उसके ऊपर आरटीआई एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि रुको पहले हम ये देख रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट आरटीआई में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आप कौन सा एक्ट खोलेंगे? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके अंदर आप क्या देखेंगे? डेफिनेशंस। डेफिनेशन में किसकी डेफिनेशन देखेंगे? पब्लिक अथॉरिटी। जब आप पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में देख लेंगे तब आप बताएंगे कि उनके ऊपर आरटीआई लग रहा है कि नहीं। अब अपने वाले क्वेश्चन पे चलो, जज ये कहेगा कि भैया सबसे पहले एक्ट की डेफिनेशन में देखो पब्लिक अथॉरिटी में क्या है। पब्लिक अथॉरिटी में लिखा है एनी अथॉरिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब समझिए, आप केस लड़ रहे हैं, आपने कहा कि जब हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे और डेफिनेशंस में पब्लिक अथॉरिटी देखेंगे तो पब्लिक अथॉरिटी में लिखा है हर वो अथॉरिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी। आईसीएसआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, देयरफॉर आईसीएसआई इज कंसिडर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी। और अगर आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है तो मेरा क्लाइंट जो उनसे कॉपीज मांग रहा है वो उनको आरटीआई के अंदर देनी ही पड़ेगी। जब आप इतना बोलेंगे तब आप केस जीतेंगे, तब क्लाइंट आपको कुछ धनराशि देगा। समझ में आया? When you are studying law, जब आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, सीएस हैं, तो आपको अपनी बात के पीछे कुछ वेट रखना पड़ेगा कि आप क्यों ये बोल रहे हो। अब आप कह रहे हैं नहीं आईसीएसआई तो है ही, हम कह रहे हैं इसलिए है, हमें पता है ऐसा होता है। नो, विच सेक्शन, विच प्रोविजन, हाउ कैन यू स्टेट दैट? Okay? इसलिए डेफिनेशंस दी गई हैं कि पूरा एक्ट पढ़ते वक्त अगर कभी आपके दिमाग में आए कि भाई इस शब्द का मतलब क्या है, जैसे हमने आपसे पूछा कि हम पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, अब एक सवाल उठ गया इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन में क्या कवर होगा, क्या नहीं कवर होगा? अब क्या करोगे? आप कहोगे इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन। व्हाट डू वी मीन बाय इंफॉर्मेशन? क्या करें, रेफर करेंगे आरटीआई एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखेंगे? जरा देखें क्या इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी हुई है, ये देखो दी हुई है, ठीक है। अब किसी ने कहा हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं, समझ में? आई एम टेलिंग यू हाउ लॉ इज यूज्ड। किसी ने कहा हम पब्लिक अथॉरिटी से रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं, उन्होंने कहा रिकॉर्ड्स मतलब क्या, कौन से रिकॉर्ड्स? रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे हैं, 10 साल पहले हमारी शादी हुई थी उसका भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, कौन से रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हो? क्या करें? आरटीआई के अंदर डेफिनेशंस में रिकॉर्ड की डेफिनेशन देख के आओ, ये रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स माने जाते हैं। सो दिस इज व्हेन एंड हाउ वी रेफर द डेफिनेशंस। ये हम आपको हर चैप्टर में नहीं समझाएंगे क्योंकि आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हो, इसलिए आपको बता रहे हैं कि यूज कैसे होता है। इट इज वेरी सिंपल, आप याद कर डालते, अच्छा पहली डेफिनेशन ये, दूसरी डेफिनेशन ये, बट यू डोंट हैव टू लर्न, यू हैव टू रेफर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है, पब्लिक अथॉरिटी की। क्या कह रहे हैं, पब्लिक अथॉरिटी कौन है? पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं या तो बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो अथॉरिटी कैसे बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई है, या कैसे बनी है, By any law made by the parliament. इसी पॉइंट पे कौन आ रहा है, ICSI, law made by the parliament. Law है ना CS का, Company Secretaries Act, okay? या फिर किसी state legislature ने बनाया है, या फिर किसी notification या order किसी appropriate government ने बनाई है उसके द्वारा बनाया गया है। तो कोई भी बॉडी, कोई भी डिपार्टमेंट जो या तो constitution ने बनाया है, या parliament ने बनाया है, या state government ने बनाया है, state legislature ने, उसको हम लोग पब्लिक अथॉरिटी मान लेंगे।
एंड इंक्लूड्स बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. एक अथॉरिटी है, एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उस डिपार्टमेंट की पूरी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट से आती है. हमने उस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, लेकिन उस डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दी ऑन द ग्राउंड दैट आई एम नॉट कंसिडर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी एज पर द RTI एक्ट. यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, एज पर योर ओपिनियन एडवाइज वेदर दैट डिपार्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी. रिपीट हम नहीं करेंगे, हो गया ठीक है. कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत सही. बाकी लोग सोच रहे थे अभी तो आएगा ही रिपीट, अभी हिंदी वाला आएगा, है ना. हमने क्वेश्चन बोल दिया, ये पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन बोल दिया. मेरा पैटर्न था आंसर क्वेश्चन एंड आंसर, पहले आंसर ही से शुरुआत हुई फिर क्वेश्चन था. ठीक है, सोचिएगा क्या है ये, और अगले लेक्चर पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है. ठीक है, जैसे ही हमने बोला अगले लेक्चर, बस हटाओ किताब बंद धड़ाक से, है चाबी निकल आई गाड़ी की. चलिए नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू. ये 3 पॉइंट जरूर पढ़ के आइएगा. थैंक यू.